बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग परिचय करा दीजिए एक बार, तो मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाए, याद नहीं होगा एक बार। थैंक यू। किस तरह से प्राथमिकता रहेगी, बड़ा शहर? देखिए, अजमेर के बारे में जो मैंने अभी तक अपने ऑफिसर्स के साथ में जो छोटा मोटा डिस्कशन किया है, उसके बेसिस पर जो बातें मेरे सामने आई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक तो हम क्राइम पर जो भी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर क्राइम कंट्रोल को लेकर के उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, बहुत बड़ी संख्या में लोग दरगाह में आते हैं, अन्य जगहों पर आते हैं दर्शन करने के लिए, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर टूरिस्ट अधिक सेफ्टी के साथ में यहाँ पर रह सकें उस पर ध्यान रखा जाएगा, उसमें बेहतर प्रयास करने किए जाएंगे। साथ ही साथ कुछ नशे को लेकर के कुछ बातें मेरे सामने आई हुई हैं, जो कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी जो टूरिस्ट हैं उनमें नशे की शिकायतें हैं, तो उस चीज़ को एग्जामिन करेंगे क्या इश्यूज़ है, उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे करके हम फीडबैक ले करके फीडबैक के आधार पर जो भी यहाँ पर किए जाने की आवश्यकता है वो कार्यवाही करके बेहतर पुलिसिंग करने की कोशिश करेंगे। टूरिस्ट के अलावा बच्चों में भी काफ़ी जी पता करेंगे कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम, समाधान पॉसिबल नहीं है अगर लोग सहयोग नहीं करते हैं तो। एक चोरियाँ जो है शहर में, प्रॉपर्टी ऑफेंस पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है जी। प्रॉपर्टी ऑफेंस का अगर आपका कहना चोरी और नकबजनी का है तो उसे बिल्कुल कंट्रोल किया जाएगा। यदि आपका कहना ज़मीनों को लेकर के है कि ज़मीनों पर लोग कब्जे कर रहे हैं, तो किसी भी हालत में किसी को किसी की ज़मीन कब्जा नहीं करने दी जाएगी। जिसका हक है, जिसका लीगल हक है, उसका हक मेंटेन रखा जाएगा। कोशिश की जाएगी कोई भी इस तरह की जो अगर कोई गैंग हो, मुझे पता नहीं है अभी, यदि कोई इस तरह के माफिया हैं जो ज़मीनों को लेकर के कोई भी कारोबार करते हैं, तो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की। सर, एंटी सोशल, सर एंटी सोशल एलिमेंट्स और साथ में सिक्योरिटी से जुड़े सामने आए हैं। हाल ही में एक आरोपी पकड़ा जिसके पास 5 इंटरनेशनल सिम बरामद हुई है, तो कहीं ना कहीं देखिए मुझे पहले तो वो केस स्टडी करना पड़ेगा कि आखिर क्या मामला था, 5 इंटरनेशनल सिम कैसे थी उसके पास में, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि किस तरह की ऐसी कोई एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है तो उसको बहुत ही हैवी हैंड से डील किया जाएगा। अब देखिए मुझे आइडिया नहीं है आप किन केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। कभी कभार ऐसी वारदातें होती हैं जिसमें कोई क्लू सामने नहीं आ पाता, वो वारदातें नहीं खुल पाती हैं। मैं ये आश्वस्त कर सकता हूं कि प्रयासों में कोई कमी नहीं होगी। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि हर वारदात खोली जा सकती है। नहीं, पुरानी फाइलें, पुरानी हर उस फाइल में जिसमें कि हमारे पास कोई छोटा सा सुराग भी होगा, हम उस फाइल में उसका अच्छा अंजाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे। मर्डर्स खुलने चाहिए, ये बहुत ही स्वाभाविक बात है। मैं नहीं जानता कि कौन से ऐसे केसेस जो नहीं खुल पाए हैं, आपने बताया है तो मैं पूरी तरह से चेक करूंगा कि कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें कोई भी पॉसिबिलिटी है, यदि संभावना है तो उन्हें खोलने की पूरी कोशिश की। वो मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर यहाँ के किसी भी तरह से लोगों की मिली भगत से यहाँ पर अगर कोई गैंग ऐसी डेवलप हो गई है जो कि लोगों को सहयोग कर रही है वारदातें करने में, या फिर जैसा आप कह रहे हैं कि दूसरे इलाके के माफिया हैं जो कि इसको यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। बिल्कुल।